हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या करते हैं जब भी उनके सामने आपका नाम आ जाता है, उनके जहन में आपका नाम, आपकी फोटोज उनके दिमाग में आ जाती है, या किसी और के थ्रू वो आपका नाम सुन लेते हैं, या आपका कोई टॉपिक आ जाता है, अगर लोगों को आपके बारे में पता है तो वो क्या फील करते हैं, ये चीज़ें देखेंगे, या क्या करते हैं, ठीक है, उनके जज्बात क्या हैं, वो चीज़ें देखेंगे आपके प्रति। तो गाइज, ये एक जनरल और एक कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होने जा रही है। जो भी रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, जैसे जो करंट एनर्जीज मैं आपके बारे में बता रही हूँ वो आपके पर्सन की नहीं आपकी हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो एनर्जीज यहाँ पे पिक करी जा रही हैं आपको ऐसा फील होता है कि वो आपकी हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वही सेम एनर्जीज जैसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो सेम वो भी आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर डाउट में नहीं आइएगा, ये मेरा आपसे कहना है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। बहुत ब्रॉड माइंड करके हल्के दिमाग से रीडिंग आपको देखनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं वो जब वो आपका नाम सुनते हैं या सोचते हैं या किसी और के थ्रू से, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करते हैं मेरे यूनिवर्स के पर्सन जब आपका नाम सुनते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करते हैं मेरे यूनिवर्स के पर्सन, क्या सोचते हैं, ये सब फील करते हैं। बताइए, फर्स्ट वन इज सोल सेटिस्फेक्शन। गाइड टीचर वैसे बताइए, आर्कएंजल गैब्रियल। गाइड टीचर वैसे बताइए, विजडम, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं व्यूअर्स के पर्सन। सर्विस, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं यूनिवर्स के पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, हेल्प मूविंग। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप में से काफी लोग सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आप लोगों का रिश्ता ही एक सोल लेवल तक है, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे से प्यार सच्चा करा है, सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी आई जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो। जब भी आपके पार्टनर आपका नाम सुनते हैं या खुद से इनके दिमाग में आपका नाम आ जाता है तो इनके मन में ये बात आती है कि आप लोगों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है कि ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ये चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में ये ख्याल आने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या बात है रिश्ते में आप लोगों के कि जब भी आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो आपका जिक्र इनके सामने आ जाता है, इन आपका नाम कहीं ना कहीं इन्हें दिखाई देने लगता है, या आप ही इन्हें कहीं ना कहीं दिखाई देने लगते हो, सपनों में दिखने लगे हो, आपसे रिलेटेड चीजें इन्हें दिखने लगती हैं, यानी कि पूरा दिमाग बना लेते हैं आपसे मूव ऑन करने का, और फिर भी आपसे कहीं ना कहीं ये जुड़ जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है आप लोगों के बीच में कि आपका नाम बार बार इनके जहन में आ रहा है और लोगों द्वारा भी बोला जा रहा है, किसी भी तरह से लोगों के माध्यम से बोला जा रहा हो। तो ये इस चीज के मामले में बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे गाइज ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद पास्ट में आपके पर्सन ने खुद से आपको चीट करा, खुद से इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये आपको से मूव ऑन कर जाएं, चाहे इंटरनली कर जाएं, चाहे फिजिकली इन्होंने अपनी जगह भी बदल ली हो, इन्होंने कुछ ऐसा करा है जो चीज ना इन्हें सोने नहीं दे रही है, जो चीज इन्हें शांति नहीं दे रही है, और अपने आप को ये शांत करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने हार्ट को, दिल को, ये लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, ताकि इनका जो जमीर इन्हें बार बार
झंझोर रहा है कि इन्होंने गलत करा है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को सताया है, किसी को बीच मझधार पे छोड़ा है, वो चीजों को अपना पछतावा पूरा करने के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये चीजें भी दिख रही हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा आप दोनों के रिश्ते के मामले में हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं। जब भी आपका जिक्र आता है या दिमाग में आपका ख्याल आता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके मामले में, आपके बीच में जो भी रिश्ता है उसके मामले में पूरी तरह से हेल्पलेस है, कोई इनके पास हेल्प करने वाला कोई पर्सन नहीं है, ये ऐसा फील करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस, जब कोई आपका जिक्र करता है, जब भी जिन लोगों को आपके बारे में पता है स्पेशली उन लोगों के लिए, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी रेस्पेक्ट ना खत्म होती जा रही है लोगों की नजरों में। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि पीपल, जो लोग हैं ना आसपास के लोग जो आपका जिक्र कर रहे हैं, वो बेसिकली अब इनके लिए वो रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत करा है, कुछ इनके लाइफ में जो गलत चीजें चल रही हैं वो गलत चीजें लोगों की नजरों में इनकी रेस्पेक्ट को भी गलत करता जा रहा है, ये ऐसा भी फील कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए गाइस, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा इच्छा रख रहे हैं कोई क्लियरिटी लेकर आने की, जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन खराब हुई है ना उस मामले में ये क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा इच्छा है आपसे बात करना चाहते हैं। बेसिकली जो गैब्रियल होते हैं वो थ्रोट चक्रा को डिनोट करते हैं, तो आपके पार्टनर ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं इसी मामले में, जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है जिस वजह से इनका बहुत ज्यादा जमीर झंझोर रहा है, इनको लोगों की नजरों में इन्हें ऐसा लग रहा है लोग इनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें ना इन्हें झंझोर रही है और इसी मामले में ये क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं, इसी मामले में इनकी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है कि आपसे बात करें, ये चीजें मुझे दिख रही है। जब भी लोग आपके बारे में इनसे बोलते हैं या खुद से आपका थॉट इनके दिमाग में आता है तो इनका दिल यही करता है कि आपसे बात करें, क्लियरिटी लेकर आए जो भी सिचुएशन उस वक्त में इनके दिमाग में थी उस मामले में। ठीक है, चलिए अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए फुल सेटिस्फेक्शन एंड द सर्विस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 देखिए गाइस, यहाँ पे आया है 6 of Cups, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 of Pentacles। ये है टॉरस वर्ग एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। कुछ लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में एज गैप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, देखो ये तो यहाँ पे 6 of Cups ने क्लियर कर दिया कि ये आपसे मूव ऑन करना चाह रहे थे पास्ट में, लेकिन आपकी यादें इन्हें इनका पीछा कर रही हैं, चाहे खुद से आपका ख्याल, आपका नाम इनके आप इनके माइंड में आ जाता है या लोगों द्वारा आपका नाम इनके सामने आ जाता है, तो ये आपके साथ बिताए हुए उन्हीं पास्ट के पलों में खो जाते हैं और इन्हें यही लगता है कि ये चाहकर भी आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक विश की तरह देखने लगते हैं, आपको एक तारे की तरह देखने लगते हैं और इन्हें ये लगने लगता है कि कैसे उस तारे को वापस से अपनी लाइफ में लेकर आए, ये चीजें दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, चाहे दूसरों की हेल्प करके, चाहे अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज वापस से क्लियर हो जाती है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि देखो ये न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं और एक क्लियरिटी लेकर भी आना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं गाइस, लेकिन एक पेज की एनर्जी में, यानी कि इतने गट्स इनके अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इतना करेज इनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा कि ये बढ़कर आपसे बात कर ले, एक क्लियरिटी लेकर आ जाए। तो जब भी आपका नाम इनके सामने आता है तो इनके दिमाग में आता तो है कि आपसे बात करें, आपके ख्याल भी आने लगते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत उस लेवल तक नहीं आ पाती कि आपसे बढ़कर बात कर ले, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल और हेल्प को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या ये कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, जब मेरे व्यूअर्स का नाम इनके सामने आता है तो ये कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2 3 4
टू थ्री फोर। यहाँ पे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और यहाँ पे एरीज की एनर्जीज आ गई। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पे आ गई है। देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में ना, जो इन्होंने पास्ट में कन्वर्सेशन करा है, जो आपसे बात करी है, काफी रूडली करी है, काफी गलत वे में करी है, इनका आपसे बात करने का तरीका बहुत गलत मुझे दिखाई दे रहा है। और उसका कारण ये है कि आपको बात कुछ और समझाना चाह रहे थे, लेकिन समझा इन्होंने कुछ और दिया, बोल इन्होंने कुछ और दिया, ये चीज है। और उसका कारण है कहीं ना कहीं इनके थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी गैब्रियल का कार्ड है जो थ्रोट चक्रा को ही रिप्रेजेंट करता है, और यही कार्ड यहाँ पे आ गए फाइव ऑफ सोर्ड्स कि आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा गलत कन्वर्सेशन हुआ है जिससे आपके दिल में इनके लिए मान सम्मान, रेस्पेक्ट, इज्जत जो है सब खत्म हो गई है, और आप शायद आप में से कोई एक को दूसरा छोड़कर चला गया है। आप दोनों की बात कर रही हूँ, रिश्ते की नींव पूरी तरह से हिल गई, दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग जाकर गिरे हो, ये चीजें दिख रही है। ठीक है, इस वजह से ये ना अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खुद जब आपका नाम इनके सामने आता है तो ये इसी वजह से हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी जो एनर्जीज है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपसे गलत तरीके से व्यवहार करा है, ये चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि खुद से गलत बोला तो किस मुंह से आपसे बात करें, मेन इनका ये है। जब चीजों को इवेल्युएट करते हैं, जब चीजों को, जो इन्होंने आपके साथ बोला, जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, जो आपको छोड़कर चले गए, उन चीजों को जब ये इवेल्युएट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ने ये तो समझ में आ रहा है कि गलती इन्हीं की थी, जो आपको ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि भाई हाँ मेरी गलती थी और मेरे से गलत हुआ या मैंने गलत समझा, ये चीजें दिख रही है। यानी कि इनका कन्वर्सेशन करने का, इनकी बात करने का तरीका पास्ट में बहुत गलत था, जिस वजह से ये अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, काफी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो, अगेन यही चीज बता रहा है कार्ड। और जब आपका नाम इनके सामने आता है किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, तो इन्हें यही लगता है कि कब वापस से आप लोग इसी तरह से मिल जाओगे, कब आप लोगों के प्याले एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, कब आप दोनों एक दूसरे के लिए वही प्यार फीलिंग्स जो हैं बयान कर पाओगे, आप लोगों की फीलिंग्स जो एक दूसरे के लिए है ना, वो चीजें बता पाओगे, इन्हें ये लगता है। ओवरऑल मैं बोलूं तो इन्हें अपने पास्ट की गलतियों की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी तीव्र इच्छा आपसे बात करने की होती है जब कोई आपका नाम इनके सामने लेकर आता है या खुद से आता है, ये चीजें हैं। ठीक है, विजडम और मूविंग को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्सल बताइए किस मामले में दूसरों की नज़रों में रेस्पेक्ट चाह रहे हैं। मूविंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्सल बताइए। वन टू थ्री फोर। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, एनर्जीज तो अभी सभी आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एनर्जीज नहीं बता रही हूँ फिर से। तो देखो, ये बेसिकली इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की तो कोशिश करी है, मूविंग का कार्ड आया है और नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, शायद आपको ब्लॉक भी कर दिया है यहाँ पे, और आपसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बना ली। आप इनके तरह बढ़ भी रहे थे ना, तो बढ़ने नहीं दिया इन्होंने, अपने दिल तक आपको आने ही नहीं दिया, और दिल तक आने की बजाय इन्होंने तो लड़ाई तक करी है, ये चीजें दिख रही है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है, लेकिन अब ना इन्हें जब आपका नाम आता है और ख्याल आता है ना, तो इन्हें इसी किए हुए पे, ये मूव ऑन जो कर गए, दीवारें खड़ी कर दी, ब्लॉक जो कर दिया, उन्हीं चीजों पे इन्हें पछतावा होता है, उन्हीं चीजों के बारे में जब ये सोचते हैं तो इन्हें रोना आता है, इन्हें गिल्ट फील होता है, इन्हें अकेलापन फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या कर दिया, क्यों कर दिया, किसके बहकावे में आके कर दिया, बुद्धि कहाँ चली गई थी, दिमाग कहाँ खो गया था, ये चीजें सोचकर और ज्यादा परेशान होते हैं, और ज्यादा एंजाइटी में आते हैं, और ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है,
मतलब इन्होंने खुद से मूव ऑन करा इस चीज को, इसी का इन्हीं दो कार्ड्स ने क्लियर कर दिया। लोगों की नजरों में अपनी रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ना, क्योंकि आपसे बेसिकली हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, आपसे बात करने की, और लोगों की नजरों में इनकी हिम्मत, इनकी रेस्पेक्ट कम ना हो जाए, इसीलिए ये ना अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल वर्कहोलिक हो रहे हैं। जो यहाँ पे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एट ऑफ पेंटिकल्स से पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स पैसा लगाने में लगे हुए हैं, ताकि लोग ना, क्योंकि आजकल की सोच होती है ना कि जिसके पास जितना पैसा है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो ये उस ओहदे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों की नजरों में इनकी रेस्पेक्ट कम ना हो जाए। और इन्होंने इस वक्त अपना एक उद्देश्य, अपना एक एम जो है वो पैसा, पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ, अपना अपने आप को कुछ कर दिखाने का ही बना रखा है। ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ये चीजें मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है जब लोगों के सामने आपका नाम या आपका थॉट आता है। चलिए फाइव कार्ड्स और देख के देखते हैं कि और कैसा फील करते हैं। एक कार्ड हमारा गिरा और वो है गिल्ट। गाइड कीजिए, मेरे से बताइए और कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए, मेरे से बताइए। रिकवरी, वर्कोहॉलिक्स, सेम ही चीजें आ रही हैं गाइस, तो मैं सिर्फ फाइव कार्ड्स निकालूंगी। कंफ्यूजन, एक कार्ड और देख लेते हैं। इनसिक्योरिटी, देखो गाइस वही चीज है कि आपके पर्सन जब आपका नाम सुनते हैं लोगों के थ्रू या अपने आप से इनके जहन में आता है ना, तो सबसे पहली चीज तो इन्हें गिल्ट होने लगता है, इन्हें लगता है कि इन्होंने गलत करा, जो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके। इनको लगता है कि आप लोगों के बीच के जो भी रिश्ता है ना, जो खराब इन्होंने खुद से करा है, उसे कैसे रिकवर करें, कैसे उन चीजों को सही करें, कैसे आपके टूटे हुए दिल को वापस से सही करें, जोड़े, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, इन्हें इस चीज में कि आपको आपके साथ रिश्ते में आगे कैसे बढ़े, कैसे हिम्मत जुटाएं, किस मुंह से आपकी तरफ बढ़े, इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और इस कंफ्यूजन से हटने के लिए ना अपने आप को सिर्फ और सिर्फ काम में लगा लेते हैं। ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहे हैं। डीप इनसाइड आपके पार्टनर जब आपका नाम सुनते हैं तो इनको इनसिक्योरिटी फील होती है, इनको ये लगता है कि आप ना चले गए हो इनकी लाइफ से, अब ये चाहकर भी आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, और इस मामले में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और फाइनली ना इन्हें गिल्ट ही रह जाता है इनके हाथ में कि अब आपको ये कैसे अपनी लाइफ में लेकर आए, कैसे चीज़ों को सही करें, ये सोचते रह जाते हैं इसी कन्फ्यूज़न में, मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल्स के माध्यम से आप इस सिचुएशन में और क्या बता रहे हैं एंजल्स हमको। ठीक है, इस सिचुएशन एंजल्स और क्या बता रहे हैं हमको। ट्रस्ट, आपसे बोला जा रहा है विश्वास कीजिए, रिमेन पॉजिटिव, आप तो वो रह ही रहे हो, लिसन टू योर इंट्यूशंस। ठीक है, बेसिकली यही चीजें आई है कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है, पॉजिटिव रहना है, विश्वास करना है कि आपके जो भी पर्सन हैं वो हिम्मत जुटाएंगे। ठीक है, मूनोलॉजी से और देख लेते हैं, गाइड कीजिए, बस बताइए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये जो भी आपके पर्सन गाइस एनर्जी फील कर रहे हैं ना, जैसे इनसिक्योरिटी, गिल्ट और ये सब चीजें जो इनके दिमाग में चल रही है ना, ये चीजें एक हासिल कर लेंगी, ऐसा यहाँ पे मूनोलॉजी के थ्रू बोला जा रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके पार्टनर इस वक्त ना डरे हुए ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको फेस करने से डर रहे हैं, ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं। गाइड क्वेश्चन बताइए। You and your loved one are safe. आपसे बोला जा रहा है आप दोनों का बीच का जो भी रिश्ता है ना वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन बस जरूरत है तो आपके पर्सन को अपने डर पे जीत हासिल करने की, अपने डर पे काम करने की, ऐसा बोला जा रहा है। एक कार्ड और देख लेते हैं। A new romantic cycle begins. आपसे बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन अभी चल रही है,
अभी उसकी साइकिल कंप्लीट होने वाली है और उसकी साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगी आपकी एक नई जर्नी, न्यू बिगनिंग, न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रोमांस एंजल से और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सोलमेट का कार्ड फिर से आया है, आप में से काफी लोगों का सोलमेट कनेक्शन है और यही आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अभी तक वो ऐसा फील भी नहीं कर रहे हो लेकिन अब वो इस एनर्जी में तो आ गए हैं। एक कार्ड और देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपसे बोला जा रहा है, देखो गाइज की आपको ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किस मामले में कहा जा रहा है, आपको एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी है कि हर एक पर्सन ऐसा नहीं होता है कि वो प्यार के लिए हिम्मत जुटा लेता है। आपके पर्सन यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, इनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है, तो आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ये हिम्मत जुटा लें, ये आपके पास आ जाए या नहीं आ जाए। वो अपने आप से आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन उस लेवल पे मत रखो ताकि वो एक लेवल पे आकर टूट जाए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखने से ना आपको ही चोट पहुंच रही है, ऐसा यहाँ पर है। यू डिजर्व लव, आप प्यार बिल्कुल डिजर्व करते हो, आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में बिल्कुल लेकर आओगे, लेकिन उसके लिए आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन आपको तोड़ रही है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग कि आपके पार्टनर कैसा फील करते हैं जब आपका नाम सुनते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल मैं बोलूं तो जब भी आपका नाम सुनते हैं ना तो इन्हें पछतावा होता है, इन्हें गिल्ट होता है, इन्हें ये लगता है कि इन्होंने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। ये चीजें इन्हें ना खाई जाती हैं, ये चीजें मुझे मेन इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।